तो दोस्तों, अभिनेत्री सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्य को काफ़ी पसंद किया गया था। काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इसका दूसरा सीजन कब आ सकता है। अब खुद अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने इस बात की पुष्टि कर दी है, इस सीरीज़ का दूसरा सीजन आएगा। इस सीरीज़ का पहला सीजन सुपरहिट साबित हुआ, इस लिहाज से फैंस को उम्मीद है कि इसके दूसरे सीजन में भी सुष्मिता का जबरदस्त अभिनय देखने को मिलेगा। सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए आर्या के दूसरे सीजन की घोषणा की है। सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, उसने आईने में एक तूफान को आते देखा है, आर्या का दूसरा सीजन आ रहा है। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, सभी को बहुत सारा प्यार। इस सीरीज़ का पहला सीजन 19 जून 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। इसका निर्देशन राम माधवानी द्वारा किया गया था। इसके पहले सीजन में सुष्मिता के अलावा चंद्रचूड़ सिंह, सिकंदर खेर, नमित दास, मनीष चौधरी, जयंत कृपलानी जैसे कलाकार को भूमिकाओं में देखा गया था। आर्य से सुष्मिता ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू किया था। इस सीरीज में अभिनय के लिए सुष्मिता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर का OTT अवार्ड भी दिया गया है। आर्य एक डच ड्रामा सीरीज पनुजा का हिंदी रूपांतरण है। इसके पहले सीजन में कुल 9 एपिसोड थे। पहले सीजन में सुष्मिता ने खुशहाल शादीशुदा महिला आर्यन सरीन की भूमिका निभाई थी। उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आर्य की कहानी को राजस्थान में सेट किया गया था। इसके पहले सीजन के क्लाइमैक्स को ऐसे मोड पर छोड़ा गया है कि जहां से आगे कहानी को फिल्माने की गुंजाइश बची रहे, इससे दर्शकों में भी उत्सुकता बनी रहती है। इसके क्लाइमैक्स में दिखाया गया था कि दुश्मनों को ख़त्म करने के बाद आर्य अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर जा रही है। दरअसल अब उसके सामने बेहद ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय माफिया है। सुष्मिता को आखिरी बार 2020 में रिलीज़ हुई फिल्म नो प्रॉब्लम में बड़े पर्दे पर देखा गया था। इसके पहले 2015 में रिलीज़ हुई निर्वाक से बंगाली सिनेमा में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म को श्रीजीत मुखर्जी ने निर्देशित किया था। तो देखना ये होगा सुष्मिता सेन की ये सीरीज़ लोगों को कैसी पसंद आएगी, क्योंकि आर्या का पहला पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया है। दूसरे सीजन से कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देता हूँ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।